आधा घंटा काम करके 4 से 5 हज़ार रुपए हर दिन कमाओ। इन महिलाओं की तरह पेन पैकिंग करके घर बैठे पेन पैकिंग करना होगा, घर बैठे कंपनी आपको माल देगी, कंपनी का माल पैकिंग करके। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, वो मैंने नटराज पेंसिल के लिए वो पैकिंग के लिए मटेरियल की रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, लेकिन वो कल का नाम लिया था टीम ने, आपने कहा टीम कल तक मटेरियल लेके पहुंच जाएगी, तो अभी तक पहुंचा नहीं सर। आज 15 तारीख के लिए आपने कहा था, 16 तारीख हो गई सर आज। हाँ सर, आप अपना जो आईडेंटिटी कार्ड है उसकी फोटो डालिए ना आपके पास, उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जो मेरे को कार्ड बना के दिया उसका, हाँ हाँ उसी का, उसमें ऐसे वो जो देखता हूँ मैं एक बार सर। हाँ देख लो। ये जो आपने कार्ड बनाया था इसमें ये जो नंबर दिए हुए यही है? हाँ सर, इसके लास्ट के जो 4 अक्षर है वो बताइए। 2 4 9 6। 9 6। सर 1 मिनट। हाँ सर, आज आपकी डिलीवरी है वो हो जाएगी और आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा 2550 रुपये। क्या लगेगा? डिलीवरी चार्ज लगेगा 2550 रुपये। 2550 रुपये लगेगा डिलीवरी चार्ज, और आज सामान पहुंचाएगा हाँ सर बिल्कुल, तो ये पैसे किसके लगेंगे? ये तो आपके लगेंगे। नहीं आपके तो, मेरे को तो जो 650 रुपये आपने बताए थे मैंने पहले ही आपको पे कर दिए। अरे सर, ये डिलीवरी चार्ज है, ये डिलीवरी चार्ज पे करने के बाद है आपको सामान है वो रिसीव करवाया जाएगा, और जब आपका पेमेंट आएगा उस समय आपको ये 25। पेमेंट तो आज ही देना है ना, आज के लिए कहा था आपने, कहा कि जब मटेरियल पहुंचाएगा तब आपको पेमेंट भी मिलेगा साथ में एडवांस। हाँ तो सर, आज जैसे ही मटेरियल पहुंचेगा उस समय आपको पेमेंट है वो रिटर्न होगा ना 10,000 रुपये, उसके अंदर प्लस करके 2550 रुपये। तो फिर पहले किस बात के ले रहे हैं 2550 रुपये? ये तो सर डिलीवरी चार्ज लगता है। तो डिलीवरी आपने पहले बताई नहीं यार, आपने पहले, मेरे पास रिकॉर्ड है आपका, आपने क्या कहा था पहले? आपने कहा था कि आपको अगर काम करना है तो आपका सामान जो पेंसिल है आपके डिब्बे है वहां तक पहुंच जाएंगे, हाँ तो सर इनका डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही ना, वो तो तो डिलीवरी चार्ज आपने कहाँ बताया? आपने तो कहा हम एडवांस में आपको सैलरी देंगे, आपने 650 रुपये लेके अब डिलीवरी चार्ज मांग रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ सर? आपको नहीं भेजना है तो मना कर दीजिए। 10,000 रुपये के साथ में 2550 रुपये मिलेंगे आपको, टोटल 12,550 रुपये मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में मैं अभी डिलीवरी चार्ज भी आपको सेंड कर दूंगा, उसके बाद में कब तक पहुंचेगा? आज शाम तक पहुंच जाएगी। आज शाम तक हमारा सामान पहुंच जाएगा? हाँ। और फिर पैकिंग करने के बाद में वापस आप ले लोगे? हाँ। और एडवांस में सैलरी भी आएगी साथ में? हाँ सर, जब मैंने 10,000 रुपये बताए थे ना आपको एडवांस, हाँ हाँ, ये साथ में ये 2550 रुपये आपको उसी समय वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, उस समय वापस कर देंगे आप? अच्छा, तो फिर अभी शाम को तो जस्ट आपकी शाम को आपका जो बंदा है वो आ रहा है हमारे पास मटेरियल लेके, और अभी आप 2500 रुपये मेरे से ले रहे हैं, तो एक काम कर दीजिए ना आप, तो शाम दिन दिन के लिए क्यों ले रहे हो फिर? आप शाम को ही मेरे को दे देना कम वो पैसे, अभी ले क्यों रहे हो फिर? वापस देोगे तो ले क्यों रहे हो? ये सर कंफर्मेशन के लिए ले रहे हैं। कंफर्मेशन तो पहले ही करवा दिया ना 650 रुपये दे के, कंफर्मेशन बाकी रहा है क्या? अरे यार, हद हो गई, डिलीवरी चार्ज की कौन सी कंफर्मेशन हो गई दोबारा? आपने पहले बताया मेरे को, मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं आपको कल की? कहाँ का डिलीवरी चार्ज पे कर दूं बताइए? मैं नहीं करता 2550 रुपये, 50 रुपये। देखिए डिलीवरी चार्ज पे करने के बिना सामान है वो आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचता। पहले बताया आपने, आप कस्टमर्स को यूं चूतिया बनाते हो, कौन सा तरीका हुआ होगा आपका, ये कौन सी जॉब दे रहे हो आप? ही मेरे को कोई 2550 रुपये नहीं देने, आप एक काम कीजिए मेरे 650 रुपये रिफंड कीजिए वापस, मेरे को नहीं चाहिए। रिटर्न नहीं होगा आपका, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है आपके। तो क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया तो माल भेजिए ना आप फिर। हाँ, जो 2550 रुपये वो पे कीजिए आप। नहीं होगा मेरा 650 रुपये रिफंड कीजिए आप। आपको जॉब लेनी है या नहीं लेनी है? लेनी है, इसीलिए तो कॉल किया था ना आपको। नहीं होगा 2550, आप मेरा रिफंड कीजिए बैलेंस, बात खत्म। पेमेंट रिटर्न नहीं होगा तो क्या होगा फिर? मैं 2500 नहीं देने वाला हूँ। डिलीवर करवाया जाएगा। क्या होगा डिलीवर? सामान जो कच्चा मटेरियल है वो।
कच्चा मटेरियल तुम रख तेरा, मेरे को 650 रुपये सेंड कर वापस, तो क्या होगा? ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एक आपको कमेंट दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 620 रुपये में 50 रुपये मैंने पहले दे दिए थे और अब 2550 रुपये और मांग कर रहा है और अभी तक मटेरियल नहीं पहुँचाया इसने। तो ये मेरी उस वीडियो पे कमेंट आया है, इसी से नंबर इसने मैंने कांटेक्ट करके इससे पूरे नंबर्स इसका जो पूरा डिटेल्स मैंने ली है इससे बात की है। तो इसका मकसद यही है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बार बार कहा है, मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, जब आपको कहीं पर भी इस तरीके से जॉब देने की वादे किए जाते हैं, आपको जो मैंने शुरू में क्लिप लगाई थी एक वीडियो की वो देख लीजिए, आपको जब इस तरीके से ये देख लीजिए आप, इस तरीके से जब आपको कहीं पर भी नज़र नंबर नज़र आते हैं और कहा जाता है घर बैठे जॉब लीजिए, आपको सामान पैकिंग करना है, आपको पेन पेंसिल पैकिंग करना है, रबड़ पैकिंग करना है, या हिमालय की टेबलेट्स पैकिंग करनी है, और आपको कुछ चार्ज ऐसा बताया जाता है नॉर्मल सा, जैसे 600, 500, 700 रुपये बता दिए जाते हैं, वो पे करने होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, उसके बाद में हमारी जो टीम है आपके घर तक आएगी, मटेरियल पहुँचाएगी, आपको मटेरियल पे करना है और हमारी कंपनी वापस आपके वहाँ तक आएगी, ले जाएगी जो पक्का हुआ जो मटेरियल पैकिंग किया हुआ सामान है वो लेके चली जाएगी, और आपको कच्चा सामान है मटेरियल वो पहुँचा के जाएगी, 10,000 आपको एडवांस भी दिए जाएंगे। अब देखिए इसकी क्या सच्चाई है, इसकी सच्चाई यही है दोस्तों, इस तरह के किसी के भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, कोई भी इस तरह की कोई जॉब नहीं देता है साथियों, क्योंकि आपको घर बैठे कौन जॉब देता है ये बताइए, घर बैठे अपन को कोई जॉब देता है क्या? काम तो अपन को करना ही पड़ेगा ना, कौन विश्वास करेगा कि हम वहाँ पे पैकिंग है जो सही करेंगे या नहीं करेंगे? अब दिल्ली से अजमेर तक सिर्फ एक बंदे के लिए क्या मटेरियल पहुँच सकता है, ये दिमाग अपन खुद ही लगा सकते हैं। तो किसी को भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देवें, किसी को भी डिलीवरी चार्ज नहीं देवें, एक बार अगर अपन ने अपना आइडेंटिटी कार्ड का रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया, उसके बाद में अपन से 2525, 2550, 1000, 3000, 5000 इस तरह से बारी बारी से छोटा छोटा पैसा मंगवाते जाएंगे। अब देखिए जब छोटा छोटा पैसा ये 2-3 दिन से मंगवाते हैं तो अपन को ऐसा लगता नहीं है कि अपन इतने बड़े जाल में फंस चुके हैं, लेकिन लास्ट में अपन को पता चलता है कि अपने 600 दिए 2500 दिए 2500 दिए 3000 दिए 10000 का अपन को नुकसान हुआ है, एक बड़ा स्कैम अपने साथ हो सकता है। ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सावधान करें, शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो कि कोई भी इस तरीके से घर बैठे जॉब नहीं देता है, नटराज पेन पेंसिल वाली कंपनी इस तरह के फ्रॉड नहीं करती है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो उनके नाम से उनके जो उनके प्रोफाइल्स हैं उनकी जो पेंसिल्स हैं उनका एड लगा लगा के उनकी जो कुछ पैकिंग करते हुए के वीडियो ले लेके आपको गुमराह करते हैं, आपको लालच देते हैं, घर बैठे जॉब देने के वादे करते हैं और एक स्कैम कर देते हैं। तो सावधान रहें दोस्तों, किसी भी इस तरह की लालच या लुभावनेपन में नहीं आए, अपने आप को सतर्क रखिए, अपने भाइयों को अपने साथियों को भी सतर्क कीजिए, कोई भी इस तरीके से आपको घर बैठे जॉब नहीं देता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।